इसमें से कौन सा पोनोमियल है तो इसका आंसर है डी वाला माइनस फोर क्योंकि पोयोनोमियल एक इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव होती है ए और बी में तो वन अपॉन एक्स है जो एक्स की पावर माइनस वन है मतलब नेगेटिव पावर और सी में अंडर रूट एक्स जो एक्स की पावर वन अपॉइन टू है मतलब पावर फ्रैक्शन में है तो सी भी पोरिनियल नहीं है एक वेरिएबल वाला पोरिनियल बताना है ए में एक्स की पावर माइनस वन है तो ये पोरिनियल ही नहीं है बी में एक्स की पावर वन अपॉन टू मतलब फ्रैक्शन तो ये ये भी पोरिनॉमियल नहीं है और डी में तो दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई तो ये एक वैल्यू वेरिएबल वाला पोिनॉम्यल नहीं है बचा सी तो इसमें एक ही वेरिएबल एक्स है उसका पावर भी टू और वन है तो ये पॉलिनोमियल है जिसमें एक वेरिएबल है तो आंसर है सी वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री टू है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं तो यहाँ पर ए बी सी की डिग्री नहीं है बचा डी तो इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर है टू तो यह क्वाड्रेटिक पोलिनियल है ज़ीरो पोनोमियल की डिग्री होती है ज़ीरो पोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होती है वो है ज़ीरो तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर ज़ीरो या एक्स की कोई पावर हो सकती है इसलिए इसकी डिग्री डिफ़ाइन नहीं की जा सकती है तो आंसर सी है नॉट डिफाइंड ज़ीरो पोनोमियल का ज़ीरो होता है ज़ीरो पोनोमियल में सिर्फ एक टर्म ज़ीरो होती है और उस पोनाल का ज़ीरो मान लीजिए टू है तो p ब्रैकेट में टू इज इक्वल टू ज़ीरो तो इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता इसलिए आंसर D है नॉट डिफाइंड अगर p ब्रैकेट में x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट टू एक्स प्लस वन है तो p ब्रैकेट में टू अंडर रूट टू की वैल्यू निकालनी है हम x की जगह टू अंडर रूट टू रखेंगे टू अंडर रूट टू रखेंगे पॉनॉमियल पी ब्रैकेट में एक्स में तो पी ब्रैकेट में एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट टू एक्स प्लस वन में पी टू अंडर रूट टू इज इक्वल टू टू अंडर रूट टू होल स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट टू मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में टू अंडर रूट टू प्लस वन होगा पी टू अंडर रूट टू का स्क्वायर टू मल्टीप्लाइडी अंडर रूट टू और अंडरप्लाई होके टू देंगे फिर टू अंडर रूट टू को टू अंडर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू टू इंटू अंडर 2 फिर से फोर इंटू टू इज इक्वल टू एट मिलेगा और लास्ट टर्म तो प्लस वन है उसे ऐसे ही लिख देंगे अब एट माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो दे देगा और प्लस वन हुआ तो आंसर आया हमारा वन यानी ये करेक्ट आंसर है हमारा बी वाला ये वाला अब हमें रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू आएगी जीरो माइनस वन मतलब माइनस वन अब x इज इक्वल टू ब्रैकेट में माइनस वन पोलोनोमियल में हमें रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू आएगी जीरो माइनस वन मतलब माइनस वन अब x इज इक्वल टू माइनस वन पोलोनोमियल में फोर्ट करेंगे एक्स की पावर फिफ्टी वन प्लस फिफ्टी वन एक्स की जगह माइनस वन लिखेंगे माइनस वन की पावर फिफ्टी वन प्लस फिफ्टी वन यहाँ माइनस इलेवन की पावर और नंबर है तो माइनस वन की पावर फिफ्टी वन होगा माइनस वन तो एक्स की पावर माइनस फिफ्टी वन की जगह माइनस वन लिखेंगे माइनस वन प्लस फिफ्टी वन अब प्लस माइनस होगा माइनस और ग्रेटर नंबर का साइन लगाएंगे तो आंसर हुआ प्लस फिफ्टी वन मतलब ऑप्शन डी सही है यदि एक्स प्लस वन पॉलिनोमियल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स का फैक्टर है तो के की वैल्यू पता करना है एक्स प्लस वन फैक्टर है पॉलिनोमियल का तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे और एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस वन होगा फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हुआ अब पॉलिनोमियल में एक्स की जगह माइनस वन पोट करेंगे पी ब्रैकेट में एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पी ब्रैकेट में माइनस वन इज इक्वल टू टू ब्रैकेट में माइनस वन होल की पावर टू प्लस के ब्रैकेट में माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस वन की पावर इवन नंबर है इसलिए आंसर पॉजिटिव में आएगा प्लस वन और के के साथ वाला माइनस वन तो माइनस वन ही रहेगा तो हमारी इक्वेशन हुई टू इन ब्रैकेट में प्लस वन प्लस ब्रैकेट में माइनस के इज इक्वल टू ज़ीरो टू माइनस के इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा अब टू की राइट हैंड साइड करेंगे तो ज़ीरो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू होगा और लेफ्ट साइड में माइनस के है तो लेफ़्ट का माइनस और राइट right का माइनस कैंसिल हो जाएगा और के की वैल्यू होगी टू तो ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर तो हमारा आंसर है ये वाला एक्स प्लस वन किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो हम एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे और एक्स होगा ज़ीरो माइनस वन मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अब एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन में रखेंगे और जहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस वन रखने पर आंसर ज़ीरो आएगा वही हमारा आंसर होगा तो इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू तो एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे माइनस वन क्यूब माइनस टू इंटू माइनस वन होल स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू तो ज़ीरो ऑड पावर में माइनस वन होगा माइनस वन और माइनस वन की इवन पावर में प्लस वन होगा तो हमें मिलेगा माइनस टू ब्रैकेट में प्लस वन प्लस ब्रैकेट में माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू जीरो अब माइनस टू मल्टीप्लाई बाय प्लस वन देगा माइनस टू और प्लस और माइनस वन मल्टीप्लाई होगा देगा माइनस वन तो इक्वेशन हुई प्लस वन माइनस टू माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू जीरो प्लस प्लस वन और माइनस वन देगा माइनस टू और माइनस टू और प्लस टू देगा जीरो तो इक्वेशन का आंसर है माइनस टू नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू तो यहाँ पर माइनस वन क्यूब प्लस टू ब्रैकेट में माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस टू इज इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर भी ऑड पावर ऑफ माइनस वन होगा माइनस वन और इवन पावर ऑफ माइनस वन होगा प्लस वन तो हुआ माइनस वन प्लस टू इन टू प्लस वन माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो टू मल्टीप्लाई वन होगा प्लस टू माइनस वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू दोनों माइनस वन ऐड होके माइनस टू देंगे और प्लस टू और माइनस टू देगा ज़ीरो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू होगा इस इक्वेशन का सल्यूशन है माइनस टू फिर अगली वाली इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पोट करेंगे माइनस वन क्यूब प्लस टू ब्रैकेट में माइनस वन होल स्क्वायर प्लस माइनस ब्रैकेट में माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस वन क्यूब देगा माइनस वन और माइनस वन स्क्वायर देगा प्लस वन माइनस और माइनस वन देगा प्लस वन तो हुआ माइनस वन प्लस टू इंटू वन प्लस वन माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस वन प्लस टू प्लस वन माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो देगा माइनस वन और प्लस वन देगा ज़ीरो और प्लस टू और माइनस टू देगा ज़ीरो तो हमें यहाँ इक्वेशन का सोल्यूशन मिला है ज़ीरो तो हमारा आंसर है सी वाला डी है इक्वेशन में भी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पोट करेंगे तो इक्वेशन का सल्यूशन फोर आ रहा है तो हमारा फाइनल आंसर होगा सी वाला हमारा आंसर है ये सी वाला एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू पॉलेनोमियल पी ब्रैकेट में एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फोर के जीरोज निकालना है इसका मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जो पूरी इक्वेशन को इक्वल टू जीरो कर दे तो हम इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फोर को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे अब इसका इक्वेशन को मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करके करेंगे मतलब एक्स स्क्वायर के टू को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू माइनस फोर होगा माइनस एट अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड या सब करें तो प्लस सेवन मिले और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो माइनस एट मिले तो ऐसे दो नंबर होंगे प्लस एट और माइनस वन क्योंकि प्लस एट माइनस वन इज इक्वल टू तो प्लस सेवन और प्लस एट इंटू माइनस सेवन इज इक्वल टू तो माइनस एट अब इक्वेशन में सेवन एक्स की जगह लिखेंगे प्लस एट एक्स माइनस वन एक्स तो इक्वेशन हुई टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस माइनस वन एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो अब टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स में टू एक्स कॉमन है तो ऐसे लिखेंगे टू एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस फोर क्योंकि एट होता है टू इंटू फोर तो एट एक्स से टू एक्स कॉमन लिया और टू एक्स स्क्वायर से भी टू एक्स कॉमन लिया और माइनस वन एक्स और माइनस फोर से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स और माइनस फोर हो जाएगा प्लस वन एक्स और प्लस फोर तो हम लिखेंगे टू एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस फोर माइनस वन ब्रैकेट में एक्स प्लस फोर अब एक्स प्लस फोर दोनों टर्म में कॉमन है तो लिखेंगे एक्स प्लस फोर टू एक्स माइनस वन अब एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे और टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो में एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर मिलेगा और टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो में एक्स इज इक्वल टू वन अपॉइन्ट टू मिलेगा तो आंसर हुआ सी वाला हमारा आंसर है सी वाला अब अगला क्वेश्चन है अगर एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन एक्स क्यू प्लस टेन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन के फैक्टर हैं तो एम और एन की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले हम एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे दोनों से एक्स की वैल्यू निकालेंगे एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो होगा जीरो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब जीरो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अब इक्वेशन एक्स क्यू प्लस टेन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन में वन माइनस वन करके एक्स की दोनों वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन को इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पुट करते हैं एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन माइनस टू क्यूब प्लस टेन इंटू माइनस टू होल स्क्वायेर प्लस एम माइनस टू प्लस एन इज इक्वल टू जीरो माइनस टू की पावर थ्री है तो होगा माइनस एट और माइनस टू की पावर है टू तो होगा प्लस फोर और एम इंटू माइनस टू होगा माइनस टू एम माइनस एट प्लस टेन इंटू फोर प्लस टू एम प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस एट प्लस फोर्टी माइनस टू एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो माइनस एट और प्लस फोर्टी होगा माइनस और ग्रेटर का साइन तो आंसर होगा प्लस थर्टी टू और माइनस टू एम और प्लस एन आज एट इज रहेगा प्लस थर्टी टू माइनस टू एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो अब एक्स इज इक्वल टू वन पोट करेंगे इक्वेशन में एक्स क्यू प्लस टेन एक्स स्क्वास प्लस एन इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो पर 1 10 1 m 1 n 0 होगा। फिर दे देगा इलेवन प्लस एम प्लस एम इलेवन प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो अब इक्वेशन वन और टू को सप्रैड करके थर्टी टू माइनस टू एम प्लस एन माइनस ब्रैकेट में इलेवन प्लस एम प्लस एन इज़ इक्ल टू ज़ीरो इक्वेशन के बाहर माइनस साइन है तो इक्वेशन के साइन चेंज होंगे थर्टी टू माइनस टू एम प्लस एन माइनस इलेवन माइनस एम माइनस एन इज इक्वल टू ज़ीरो अब थर्टी टू से इलेवन माइनस होगा तो होगा ट्वेंटी वन और माइनस टू एम और माइनस एम होगा माइनस थ्री एम और प्लस एन और माइनस एन होगा ज़ीरो ट्वेंटी वन माइनस थ्री एम इज इक्वल टू जीरो अब माइनस एम को राइट right साइड ले जाएंगे ट्वेंटी वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू सेवन तो होगा ट्वेंटी वन इज इक्वल टू थ्री एम तो एम होगा अब इक्वेशन में इक्वेशन टू में एम की वैल्यू ट्वेंटी सेवन पुट करेंगे इलेवन प्लस ब्रैकेट में सेवन प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो इलेवन और सेवन होंगे एटीन और एटीन को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो एन हुआ माइनस एटीन तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि है ये वाला एम इज इक्वल टू सेवन एन इज इक्वल टू माइनस एटीन अगर एक्स की पावर हंड्रेड प्लस टू एक्स की पावर नाइनटी नाइन प्लस के एक्स प्लस वन से डिविजिबल है डिविजिबल है तो के की वैल्यू बतानी है तो सबसे पहले एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पर माइनस एक्स होगा माइनस वन अब एक्स की पावर हंड्रेड प्लस टू एक्स की पावर नाइन्टी नाइन प्लस वन में एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे माइनस वन की पावर हंड्रेड प्लस टू इंटू माइनस वन की पावर नाइन्टी नाइन प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा इवन पावर में माइनस वन होगा प्लस वन और पावर में माइनस वन होगा माइनस वन तो हम लिखेंगे प्लस वन प्लस टू ब्रैकेट में माइनस वन प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस टू और माइनस वन मल्टीप्लाई होके देंगे माइनस टू तो ये हो जाएगा प्लस वन माइनस टू प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस वन और माइनस टू होगा माइनस वन तो माइनस वन प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस वन को राइट right में शिफ्ट करेंगे तो ज़ीरो प्लस वन हुआ वन यानी के इज़ इक्वल टू वन है तो हमारा ऑप्शन ए सही है तो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है